कुछ लोग इस वीडियो को आधा देखेंगे, कुछ स्किप कर देंगे, जिनके सपने ना अभी बिस्तरों में सोते हैं। ये वीडियो तो उनके लिए है जिनके सर पे यूपीएससी के भूत सवार होते हैं, और ये भूत सिर्फ उन लोगों के सवार होते हैं जिनकी यूपीएससी क्लियर करना जरूरत बन जाती है। चाहत तो लाखों लोगों की होती है, लेकिन यूपीएससी का ताज सिर्फ उनके सर पे होता है जो खुद को तराशने की हद से गुजर चुके होते हैं, जिन्हें लगने लगता है कि यूपीएससी क्लियर नहीं हुई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। जानना चाहते हो जरूरत क्या होती है तो सुनो। सन 2011 वर्ल्ड कप में एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी युवराज सिंह, जिसने खून की उल्टियां करने के बाद भी कई मैच खेले और कई मैच अपने दम पर जिताए। सोचो, जिसको खून की उल्टियां हो रही हो, जिसका शोल्डर हैंड सही से काम नहीं कर रहा हो, क्या उसके मन में ये नहीं आया होगा कि शायद अगला वर्ल्ड कप मैं खेल भी ना पाऊं, शायद तब तक मैं जिंदा भी ना रहूं। जो कुछ करना है इसी वर्ल्ड कप में करना है, और उसने कर दिखाया। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीतना उसकी चाहत नहीं जरूरत बन चुकी थी। यूपीएससी क्लियर करने की चाहत तो लाखों लोगों की होती है, वो सब आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी उड़ान है जहां उड़ने के लिए पंखों की नहीं जुनून की जरूरत होती है, पागलपन की जरूरत होती है, एक जिद पालनी पड़ती है। इसके लिए यूपीएससी को चाहत नहीं जरूरत बनाना पड़ता है। फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वालों की यूपीएससी चाहत नहीं जरूरत होती है। जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, कभी पूछना उनसे सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं यार। भूल जाओ यूपीएससी के 5 अटेम्प्ट्स हैं, तुम्हारे लिए ये लास्ट चांस है। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम्हारे लिए सबसे बुरी बात यही है कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी टाइम है उन 0.2% लोगों में शामिल होने का, यूपीएससी क्लियर करने का, आईएएस का ताज अपने सर पर पहनने का। अब खुद से बहाने लगाना छोड़ दो यार। मैं गरीब हूं, मैं छोटे शहर से हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है। सोचो, अगर तुम्हारे पीछे कोई पागल कुत्ता काटने को दौड़े, तब भी तुम यही बोलोगे कि अभी मेरा मूड नहीं है, मैं अभी नहीं दौड़ूंगा। तुम्हारे बहाने लगाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आईएएस बनना है तो पढ़ना भी तुम्हें ही पड़ेगा। जानते हो, एक मुस्लिम कैटेगरी का लड़का जिसके अब्बू रिक्शा चलाते थे, गरीबी का आलम कुछ ऐसा कि कल का पता नहीं खाना मिलेगा भी या नहीं। इसके बावजूद जब तुम बहानों की लिस्ट बना रहे थे, वो लड़का इंडिया का यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन गया, मिस्टर अंसार शेख। सुना आपने, यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर मिस्टर अंसार शेख, उम्र सिर्फ 21 साल। बहाने लगाना छोड़ो यार, खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूछेंगे, वरना यहाँ कीमत इंसानियत की नहीं रुतबे की ज्यादा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।